नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं माय टेक्नोलॉजी इन्फो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीबीएन के बारे में कि पीबीएन होता क्या है, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क जिसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसको मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, आपको इसमें एसईओ में इंटरेस्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं पता है तो क्यों, ये बात इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपकी साइट को बहुत ऊपर ले आ सकता है या तो फिर आपकी साइट को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है, डुबा सकता है, आपको बैन करा सकता है। इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इतना मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, एज ए ब्लॉगर आपको जानना काफी जरूरी है। इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट बताइए कैसा लगा, जरूर नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक और चीज बताता हूं आपको कि इसके साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग का जो सीरीज है मैंने स्टार्ट कर दिया है, अभी मैंने एक इंट्रोडक्शन डाला है। अगली वीडियो जो है वो आने वाली है कि क्या क्या कंटेंट मैं पढ़ाने वाला हूं डिजिटल मार्केटिंग में, उससे रिलेटेड वीडियो आएगी कि क्या क्या कंटेंट मैं कवर करने वाला हूं पूरी सीरीज में। तो दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी, एक का प्लेलिस्ट अलग रहेगा, इसका प्लेलिस्ट अलग रहेगा, दोनों वीडियो पैरेलली आते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीबीएन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इस वीडियो में आपको सबसे पहले बता दूं क्या कवर करने वाला हूं। यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि पीबीएन होता क्या है, सबसे पहले कि पीबीएन का कॉन्सेप्ट क्या है वो बताऊंगा आपको। दूसरी चीज ये बताऊंगा कि इसको मतलब कि क्यों बनाया था, क्या पर्पस है इसको पीछे बनाने के पीछे। और तीसरी, इसके बेनिफिट्स क्या है, अच्छा है बुरा है, इसके बारे में बात करेंगे। चौथी चीज जो है आपको फाइनली बताऊंगा कि इसको गूगल एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। और भी बहुत चीजें हैं जो कि कवर करना होने, जैसे कि इसको कैसे बनाते हैं, कैसे लोग इसको हाइड करते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट जो होता है बेसिकली मैं आपको पूरा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पीबीएन होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। पीबीएन यानी कि प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। जैसे नाम से आप देख सकते हैं कि प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क, ऐसा ब्लॉग का नेटवर्क जो कि प्राइवेट हो, जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता है। जैसा कि सपोज कि मेरे पास अगर 100 वेबसाइट्स हैं जिसके बारे में मैंने किसी को नहीं बताया हुआ है, तो वो मेरा प्राइवेट खुद का एक ब्लॉग का नेटवर्क है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। कोई नहीं का मतलब यहाँ सर्च इंजन में जानता है और जो हमारे प्रोवाइडर है उनको भी पता नहीं कि एक आदमी का वेबसाइट, उसके हिसाब से 100 आदमी का अलग अलग वेबसाइट्स। फाइन, यानी कि प्राइवेट मतलब बिल्कुल प्राइवेट, किसी को नहीं पता, इवन कि सर्च इंजन को नहीं पता है कि वेबसाइट किसकी है, होस्टिंग प्रोवाइडर को नहीं पता है, डोमेन प्रोवाइडर की पता ये नहीं पता कि ये किसकी वेबसाइट है, या फिर जहां जो मेरे साथ किसी को भी मैंने खुद से अपने एंड से भी नहीं बताया कि ये किसकी वेबसाइट है। तो इस तरह का कोई भी नेटवर्क जो कि एक बंदा ओनर ओन होता करता है उसको, उस पूरे ब्लॉग के नेटवर्क का प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क नाम जाना जाता है। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट, बेसिक मैंने जो डेफिनेशन था वो देने की कोशिश किया है। अब बात करते हैं कि क्यों बनाते हैं लोग, क्या फायदा है इसका। बनाने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद होता है, मनी मेकिंग चीज होता है, इससे पैसा बहुत आसानी से बना सकते हैं। लेकिन इसमें जितना पैसा बनाने का रिस्क होता है उतना उससे कम इसमें जो होता है रिस्क जो होता है वो पूरे पैसे को बर्बाद होने से भी कभी सेम होता है। यानी कि इसमें रिस्क फैक्टर 50-50 का होता है, 80% का होता है, और इसमें अर्निंग का भी अच्छा खासा चांस होता है। दोनों मतलब कि अच्छा खासा रेशियो होता है, पैसे ही बना सकते हैं या तो फिर आप पूरा पूरा खत्म हो सकता है, आपका पूरा पूरा बर्बाद हो सकता है। फाइन, अब बात करते हैं पैसे कैसे बनाते हैं इसमें लोग। मेन पर्पज क्या होता है, सपोज कि अगर आपके पास 50-100 वेबसाइट्स हैं जिसके ओनर आप खुद से हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि वहां से मेन पर्पज इसका लिंक बिल्डिंग के लिए किया था, और कोई ज्यादा पर्पज नहीं था, लिंक बिल्डिंग के लिए किया था। अगर आपके पास 100 वेबसाइट्स है, 100 वेबसाइट से आप पावरफुल लिंक्स जो है आप किसी दूसरे वेबसाइट को बेच सकते हैं, या तो फिर आप अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं जहां पे आप कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कुछ सेल करना चाहते हैं, तो उस वेबसाइट्स को इन 10 के सपोर्ट से काफी ऊंचा, काफी अच्छे से बूस्ट करा सकते हैं। जाहिर सी बात है लिंक बिल्डिंग आपको मिलेगा, जो कि सॉलिड क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, तो वहां से आपकी साइट को फायदा होगा। फाइन, अब ये चीज हो गई कि इसका पर्पस क्या होता है। मेन पर्पस था लिंक बिल्डिंग के लिए पर्पस होता है, और मनी मेकिंग पर्पस होता है। अगर आपके पास 100 वेबसाइट है, अगर 100 वेबसाइट पे आप बैकलिंक बेच रहे हैं, मार्केट में किसी को दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहां से कमा सकते हैं। किसी को आप एड स्पेस बेच रहे हैं वहां से कमा सकते हैं, किसी को आप आर्टिकल वहां पे सबमिट करवा रहे हैं जो कि पेड है वहां से कमा सकते हैं। बहुत तरीके हैं जैसे आप पब्लिश वहां से पैसे निकाल सकते हैं। अब बात ये आती है कि इतना बड़ा नेटवर्क एक कैसे बनाते हैं लोग। जाहिर सी बात है कि इसका बेनिफिट आपने पता चलेगा कि मनी मेकिंग के लिए होता है, बैकलिंक के लिए होता है। अब इतना बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए आदमी के पास कुछ तो होना चाहिए, कैसे बनाता है इतना बड़ा नेटवर्क बनाने के बाद सबसे पहला चीज क्या होता है कि आपके पास बजट होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत सारे वेबसाइट बनाने हैं, तो आपके पास बजट रहना चाहिए, तभी जाकर आप इसको बना सकते हैं। अब सोचने वाली बात यहाँ ये आती है कि अगर आप आज हम और आप क्या है एक दो वेबसाइट बनाने में सारा दिन लगा देते हैं, लेकिन एक कोई ऐसा भी है जो कि 50-100 वेबसाइट 1000 वेबसाइट तक का पीबीएन वो लोग बना के रखे हुए हैं, तो वो बनाने के लिए कैसे बनाते हैं वो लोग। स्क्रैच से स्टार्ट बहुत कम लोग करता है। इसमें मेन क्या करते हैं लोग, जो एक्सपायर डोमेन्स होते हैं जिनकी ऑलरेडी ऑथोरिटी हाई होती है, जो रिसेंटली एक्सपायर, तो उसमें क्या करते हैं वो लोग की हाई बिडिंग से उसको खरीदते हैं। जैसा कि जो ऑलरेडी रेप्यूटेटेड वेबसाइट्स हैं, अगर कुछ छूट गया, किसी का एक्सपायर हो गया, किसी ने गलती से रिन्यू नहीं कराया, फिर किसी के कुछ भी रीजन होते हैं जिसकी वजह से एक्सपायर हो जाता है,
और रिन्यू नहीं करा तो अवेलेबल रहता है, तो वैसे डोमेन को लोग खींचते हैं ताकि उस पर मेहनत नहीं करना पड़ता, बना बनाया चीज उनको मिल जाता है। और क्या करते हैं उस तरह की डोमेन से उनको मिलने से फायदा क्या होता है कि उनको ऑलरेडी रेप्यूटेटेड डोमेन मिल गया, अब वहां से वो खुद से उस वेबसाइट का डोमेन का यूज करके आपको बैकलिंक दे सकते हैं, तो उनको सिर्फ पैसा लगाना पड़ा, टाइम नहीं लगाना पड़ा। तो वैसे जितनी भी डोमेन्स होते हैं वो ढूंढते हैं और उस तरह का ढूंढ ढूंढ के उनको क्या बोलते हैं उसको खरीदते हैं। अब बात यह आती है कि भाई प्राइवेट बनाने के लिए कैसे करें कि गूगल को पता नहीं चले, कैसे करें कि होस्टिंग प्रोवाइडर को पता नहीं चले, कैसे करें कि डोमेन प्रोवाइडर को पता नहीं चले कि वेबसाइट एक बंदे की है, राइट? ये बहुत ही मतलब पेचीदा काम है। तो जाहिर सी बात है गूगल को फुटप्रिंट जो होता है कि कोई भी पहचान, कोई भी सबूत नहीं छोड़ा जाए, इसके लिए लोग हर एक चीज यूनिक इस्तेमाल करते हैं। यूनिक बोले तो यूनिक ईमेल आईडी यूज करते हैं, यूनिक फोन नंबर यूज करते हैं, यूनिक जो हर एक आदमी का क्रेडेंशियल यूज करते हैं, जितना भी डेटा आप जब वो लोग खरीदते हैं होस्टिंग या फिर डोमेन खरीदते हैं, तो हु इज जो एक वेबसाइट है जहां से आप कुछ भी पता लगा सकते हैं वेबसाइट के ओनर के बारे में, वो सब कुछ को वो लोग प्राइवेट रखते हैं, कुछ भी अपना जो है वो डिस्प्ले नहीं करते हैं। तो इन चीजों के तरीके से, इन चीजों से आप वो हाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब इतना आसान नहीं रह गया हाइड करना, क्योंकि आईपी ट्रैक करके आप उसको अंदाजा लगा सकता है। तो ये बहुत मतलब आजकल इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि अब उतना आसान नहीं रहा पीवीएन नेटवर्क बना के उसको इस्तेमाल करना और पीवीएन नेटवर्क बना के इसका यूज करना। तो इतना चीजें आपको आशा करता हूं समझ में आएगा कि पीवीएन होता क्या है, क्यों बनाते हैं, क्या फायदा है इसका और पर्पस क्या है। अब बात करते हैं इसको कि ये अच्छा है बुरा है। जाहिर सी बात है इसका बहुत तरह के बहुत लोग आंसर देते हैं, अपना अपना पर्सनल ओपिनियन है अच्छा है कि बुरा है, लेकिन अब जनता क्या बोलती है वो अलग है, लेकिन गूगल क्या कहता है वो आपको बताता हूं कि इट कम्स अंडर ब्लैक हैट इश्यू। गूगल इसको नहीं मानता है। अगर सपोज कि आपने कहीं से बैकलिंक खरीदा है, अगर उस बंदे ने अलग अलग अपनी कोई पीबीएन वेबसाइट से आपको बैकलिंक दिया, उसने आपने वहां से खरीदा, आपको नहीं पता कि ये 10 बैकलिंक जो मुझे मिले हैं, 50 बैकलिंक जो मुझे मिले हैं, वो किसी एक बंदे का ओनर का साइट का है जो कि एक पीबीएन का है, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या, क्योंकि वो 10 अलग अलग डोमेन्स रहेंगे, 10 अलग अलग डोमेन्स के अलग अलग ओनर के नाम से रहेगा वो, लेकिन वो नहीं, एक बंदा करेगा। अब क्या जिस दिन गूगल ने उसको पकड़ा कि बेटा तुम ही हो बंदे जो कि अकेले 10 वेबसाइट चला रहे हो और सबको बैकलिंक बेच रहे हो, तो उस दिन उसकी साइट हो जाएगी बैन, पेनालाइज, खत्म उनकी वेबसाइट। जब उनकी वेबसाइट खत्म हो गई तो क्या है कि आपका जो डोमेन लिया आपने, आपने जो बैकलिंक लिया था वो भी खत्म, और आपको भी एज ए स्पैम उसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। तो ये सबसे बड़ा लॉस होता है इसमें कि अगर आपने कहीं से खरीदा हुआ है आपके लिए लॉस हुआ, अब गूगल को पता चल गया तो साइट ओनर का जितना मेहनत था वो पूरा बर्बाद, क्योंकि सारी साइट उसको हो जाएगी बैन और ये हो जाएगा खत्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको जानना जरूरी था कि क्यों इसका इस्तेमाल, आप कॉन्सेप्ट जानना जरूरी था। अगर बैकलिंक खरीदते तो बी केयरफुल कहीं से बैकलिंक खरीदते हैं, तो चाहे मैं बेचूं फिर कोई भी बेचा, मैं तो बहुत छोटे लेवल पे हूं अभी, जो भी मैं देता हूं आपको खुद से बोलता हूं आप खुद से बनाइए ये सारी वेबसाइट से। तो ये कॉन्सेप्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि पीबीएन होता क्या है, ठीक है? तो जैसे कि मैं गुड है कि बैड है इसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो मैंने बताया आपको कि सर्च इंजन कहता है कि ये ब्लैक हैट इश्यू में आता है, अगर पकड़ेगा बेटा तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको बैन कर दूंगा। अब पब्लिक क्या कहती है ये बता दें, पब्लिक कुछ लोग कहते हैं अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं बुरा है। पब्लिक कहती है मैं अगर मेहनत कर रहा हूं, मैं बना रहा हूं, तो मैं अपनी वेबसाइट को रन कर रहा हूं, तो उनके लिए अच्छा होता है। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, अगर तुम कैसे बना सकते हो, ये चीज गलत है तुम्हारे लिए। तो ये ओपिनियन हर एक का अपना अपना होता है, ये हमेशा से कॉन्ट्रोवर्सी, कुछ लोग उसको अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग उसको बुरा बोलते हैं, तो ये डिपेंड करता है अपनी अपनी यूसेज पे। बट मैं पर्सनली ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसका यूज करें, आप इसको बनाएं, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर सब चीजों को पता चल गया तो पूरा मेहनत बेकार हो गया, और ऐसे भी ब्लैक हैट इश्यू इज नॉट गुड फॉर लॉन्ग टर्म जो आपका ब्लॉगिंग प्लान है उसके लिए, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट था कि पीबीएन होता क्या है। एक क्विक वीडियो मैंने बनाया जिसमें कि आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दिया है। आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइए कैसा लगा। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, और डिजिटल मार्केटिंग से जो वीडियो सीरीज स्टार्ट किया वो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ जो कि हेल्प करेगा आपको अच्छे से ब्लॉगिंग सीखने में। बाय, टेक केयर।